हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिनिक्स गेमर। आ गए हैं दूसरी वीडियो के साथ। हम उतरे हैं जॉर्जो पुल और यहाँ पे सिर्फ मिलते हैं हमें दो बंदे, और बाकी दो बंदे आएंगे सिटी से, उनको भी देख लेंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शादी वाले सीन। यहाँ पे तो नहीं, थोड़ी दूर जाके जो हम ड्रॉप लूटने जाएंगे। तो अभी हम यहाँ उतरते हैं और मुझे मिलती है इस कंटेनर के अंदर M4। तो चढ़ते हैं दूसरों पर। अभी मैं तेरे डब्बों के नीचे हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा देखने को मिलता है, पकड़ लेता हूँ फटाक से। और हम इसके टीममेट की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका टीममेट देखना, यहाँ पे पहुँचते ही देखता हूँ बंदा गायब। फिर देखते हैं, यहाँ पे कोने में एकदम छुप के बैठा है, कुछ उम्मीद लगाए। देखते हैं इसका टीममेट दिख गया। और इसका टीममेट भाई साहब वो बंदा निहत्ता बचाने आ गया। भैया आपके साथ भी ऐसे ही भाई होने चाहिए जो भैया निहत्ते बचाने आ जाए। तो मेरे को एक बार को लग रहा था मैं उसे छोड़ दूँ, चौक वाले नशे करके आया हुआ है। पहली बता दी, यहाँ की गाड़ी की आवाज आ रही है और बंदा अभी तक लूट रहा है। यानी खत्म तो बोरा बंदा। Watch out. तो यहाँ पे हमारे Watch होते हैं बॉट चच्चा और आगे भी होते हैं बॉट चच्चा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वहाँ पे भी एक चच्चा है, वहाँ पे भी है। बैठो हैं। मैं उसको बॉट को गाड़ी से कुचलने वाला होता हूँ, बस दर्द। तो ऊपर तो कोई नहीं मिलता, तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे कती महंगा स्नाइपर हमें देखने को मिलता है, जो भैया हमारे भाई को सीधा चटका देता है सर पे। तो हम फटाफट से अपने भाई को रिवाइव पेलते हैं और वो उस साइड होता है, पर पता नहीं वो 10 सेकंड में कैसे इधर इतना पास आ जाता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को लगता है हैक वूक लगा के खेल रहा है। ऐसे ही मैंने अपने भाई को रिवाइव दिया और मैंने स्मोक फेंका तो मेरे को फुटस्टेप्स आने सुनाई दे जाते हैं। और ये देखो आ जाता है वो बंदा। ओ जी हाँ, अब आ चुका है हमारा शादी वाला सीन, यहीं पे होने वाला है। और हमारे भाई हमें यहाँ सीख देते हैं कि यहाँ ले लो वहाँ ले लो। मैंने कहा तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो और हम ढूंढते हैं बंदे। तो बस मैं यहाँ गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ बंदे ढूंढने के लिए, और तभी होते हैं हमारे साथ गलत सीन, बहुत तगड़े। इन घरों पे लोग बिना अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। रेड हाउस में कमते हैं अपार्टमेंट तो हमारी तो फाइट इस गाड़ी से चल रही होती है, पर हम इस और गाड़ी के डंडे भी मिल जाते हैं जो हमारे सामने से आ रही होती है। तो देखिए तो हमारे भाई इन दोनों को संभाल लेते हैं। वैसे तो मैंने उसको रोजा का हेड मारा था एक को, और यहाँ पे हम पे दूसरी गाड़ी चढ़ जाती है। जो भी बंदा नॉक हुआ है ना, इसका टीममेट फुल नशे में, कहाँ टीपी भी ले रहा है। और मेरा भाई भी देखो कहाँ से नशे में, कह रहा हूँ उससे सामने है मारो। तो ही है, वैसे मार तो देते हैं, पर वो जो इसका टीममेट था ना फुल नशे में था, कसम से भाई उसके टीममेट फुल नशे में थे, क्योंकि वो पूरी पी के आए हुए थे, फ्री की मिल रही थी, शादी में थे इसलिए। हाँ आपने सही सुना, तीसरी भी गाड़ी आ जाती है। मैं पहले गोली चलाता हूँ ताकि वो हमसे लड़ने आए, तो फिर फटाफट ही मार। आजकल का तो ये सीन है, कहीं भी सांप बन जाओ जहाँ मिले, झाड़ी के ऊपर सांप बना हुआ। मैं इसके ऊपर से गाड़ी निकालता हूँ और हमारे भाई सीधा किल ले जाते हैं, पता नहीं कैसे फिनिश कर दिया हेडशॉट। तो यहाँ पे हमारे साथ होते हैं और गलत सीन। मैं गाड़ी सीधा जोन के बाहर ले जाता हूँ, पता चलता है फ्यूल ख़त्म हो गया। तो गाड़ी को घोड़ा बनाते बनाते अब वो कहती है हम तो गधे बन गए, अब तो छोड़ दो,
तो भैया गाड़ी में एक बूंद फ्यूल नहीं होता तो हमें पैदल भागना पड़ता है। तो हम भगते भगते वही ड्रॉप के पास आते हैं, उस लौंडे का सामान लूटते हैं। मिनट, लौंडा क्यों कह रहा हूँ, सांप का सामान लूटते हैं। हमारे टीममेट हमें सीख दे रहे होते हैं, सुनो। सांप बन जा, नहीं सांप बन जा, सांप बन जा। उसे ये कह रहे होते हैं, भैया चुपचाप चल लो, कभी सांप बन गए तो किल वैसी नहीं है और कम मिलेंगे। तो भैया ये है एकदम ओपन एरिया, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पे होंगे सांप की नगरी, ये पूरी सांप की नगरी है, तो इसलिए हमें इछल कूद करनी पड़ती जरूरी है और इधर उधर देखना बहुत जरूरी है। अभी देखना कहाँ ही सांप बना होगा। ड्रॉप वेपन नहीं चाहिए, जैसे ही एम के का नाम लिया ड्रॉप वेपन में तो भैया कह रहे नहीं चाहिए। कुछ लोगों को कुछ गने अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। अब हमें नहीं पता क्यों एम के अच्छे नहीं लगती उन्हें। वैसे एम के एक तोड़ू गन है, अगर उसमें कोई एक्सटेंड मैग हो और सप्रेसर हो मज़े ही आ जाते हैं चलाने में। और ये मेरा सस्ता स्प्रे, मुझे एक बग्घी दिखती है जिसमें एक लौंडा, क्या ही पागल बनाते हैं। मुझे लगता है भैया गाड़ी चढ़ाई देगा और हम पीछे आते हैं और गाड़ी उधर बड़ी तेजी में। तो मैं फुल ट्राई करता तो हूँ पर हाथ निकल जाता है, वो अलग बात है। उस बग्गी वाले को किल तो हम नहीं कर पाते, पर जो भी किल करता उसको हम किल कर देते हैं। वो बग्गी वाला वैसे घूम के पूरा आता है वापस और हमारे आगे निकल जाता है, पर मैं दूसरे सांपों को मारने में बिजी होता हूँ तो हाथ से निकल जाता है दोबारा से। और यहाँ पे मिलेगा ओम वाला आदमी या सांप, कुछ भी कह सकते हो, लौंडा भी। यहाँ पे मेरा किल चोरी होता है, आपने साफ साफ देखा स्क्रीन पे कि मैंने उस लौंडे को एक हेड मारा और एक बॉडी मारा, पता नहीं क्यों नहीं मारा, वो अलग बात है। और हमारे भाई ने चुपके से सीधा टका दिया जिससे हमारा किल चोरी हो गया। अब दूसरे वाले को मैं फुल डैमेज देता हूँ पर बच जाता है हाथ से, क्या कर सकते हैं, पर पकड़ेंगे, चिंता मत करो, बस तुम देखते रहो। इसी समय पे भाई साहब कार 98 से चिपकाया जाता है बग्गी वाले को और मैं वहाँ पागल की तरह बग्गी पे स्प्रे दे रहा होता हूँ। बाद में चलता है वो मर चुका है, रिकॉर्डिंग देखता हूँ तब पता चलता है वो मर चुका है। तो फिर मैं अब उस वाले सांप को देख रहा होता हूँ जो वहाँ पेड़ पे लेटा हुआ था और वो अभी तक वहीं है, हिला ही नहीं अभी तक। मतलब उसके टीममेट की मैंने पकड़ के पेटी बना दी, मतलब मेरे टीममेट ने वैसे किल चुराया बहुत तगड़ा, और अभी भी वो वहीं लेटा हुआ है, बैठा नहीं ना खड़ा। तो हम देखते हैं, वो ओम के झटके फटके देता है पर हम बच जाते हैं किसी तरीके से और उसको पकड़ लेते हैं अगले स्प्रे में। तो ठीक इसी समय पे मेरी पूरी छाती यानी वेस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो पूरी टूट जाती है। वो ओम का फटका सीधा मेरी छत्ती पे लगता है जाके। तो भैया मेरा सर तो खोपड़ा मतलब टूटता तो है नहीं, छाती फाड़ देता है एकदम। तो फिर अब बचा होता है लास्ट बंदा और हमारे भाई चिकन चिकन चिल्ला रहे होते हैं। तो मैंने कहा अगर लास्ट बंदा पकड़ लेगा ना तो चिकन का चकन बन जाएगा तुम्हारा, फिर तुम ही खाते रहना चिकन चुकन, तो इसलिए शांति से बैठो ढूंढने दो। और इस समय पे वो बंदा मेरे को सिर्फ मेरी वेस्ट पे मारता है, मैं उसे ढूंढ रहा होता हूँ मेरे को दिखता नहीं। तो मेरे देखता हूँ इतनी हेल्थ इतनी कम कैसे हो गई, तो मैं देखता हूँ मेरी छाती गायब है एकदम। तो मैं यहाँ पे स्मोक निकालता हूँ लूटने के लिए, पर हमारे भाई चुपके से चिपका डालते हैं। हमारा इसी के साथ चिकन हो जाता है जिससे हम बहुत खुश होते हैं, पर हमारे भाई नहीं, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि वो MVP क्यों नहीं बने इसलिए। तो हमारा डैमेज ज़्यादा होता है, पहली बात तो डैमेज उनका कम ही होगा क्योंकि उन्होंने किल चुराए हैं सीधे साधे सामने सामने मतलब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और उस शादी वाले सीन के लिए लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।